सागर जिले की रहली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटना बुजुर्ग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना बुजुर्ग के परिसर में शासन द्वारा लाखों की लागत से बनाया गया कुआ बच्चों के लिए आज खतरा बन गया है। हम आपको बता दें कि लगभग 8 सालों से बने कुआ का ना ही कोई रख रखाव है, ना ही किसी उपयोग में आता है। शाला प्रबंधन द्वारा अभी तक इसमें इसके ऊपर कोई पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पटना बुजुर्ग के संकुल प्राचार्य ने बताया कि इस कुआ के संबंध में CEO जनपद पंचायत रहली एवं सरपंच को लिखित में कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी कुआ को बंद नहीं कराया गया है। हम आपको बता दें कि उक्त कुआ को जनपद पंचायत स्वीकृत हुआ था और पंचायत पटना बुजुर्ग इसकी एजेंसी थी। वहीं जनपद के अधिकारियों का कहना है कि हमें इस संबंध में कोई भी सूचना नहीं मिली। इस मामले को लेकर संकुल प्राचार्य एवं जनपद के अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व इस कुआ में एक लाश भी मिली थी, इसी कारण से इसके पानी एवं इस कुआ का उपयोग भी नहीं करते हैं। लोगों के एक प्रश्न भी और उठ रहा है कि स्कूल की जगह में जहाँ पर बच्चों का खेल का मैदान है, वहां पर कुआ खोदन की अनुमति किसने दी और भविष्य में अगर कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा, क्योंकि बच्चों की सभी खेल प्रतियोगिता इसी परिसर में की जाती हैं। शासन एवं शाला प्रबंधन से अनुरोध है कि जब कुआ का कोई उपयोग नहीं है तो कुआ के ऊपर वध दिया जाए और फिर कड़ी सुरक्षा की जाए। रहली से संवाददाता देव भूषण दुबे की रिपोर्ट। आज हमारी चर्चा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संकुल प्राचार्य महोदय से चर्चा हुई। सर, एक बात पूछना चाहते हैं जी, अपने संस्था प्रांगण में एक शासकीय कुआ खुदा हुआ है, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसके और रख रखाव हेतु कोई ऐसे उपाय नहीं किए गए हैं, अगर कोई घटना घट जाती है तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? इस संबंध में तो अपन ने यहाँ के सरपंच महोदय को भी लिखित में आवेदन दिया, जनपद में भी अपन ने भिजवाया कि कुआं का कोई उपयोग जब तक होता है तब तक किया नहीं जाए, पानी भी पीने योग्य नहीं है, उनको बंद करने के लिए। अब आगे से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, सुनने में आया है कि पहले इस कुआं में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आत्महत्या भी कर ली गई थी। जी जी, इस संबंध में तो मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन सुनाई में आ रहा है क्योंकि मैं 2020 के बाद ही आया हूँ। तो जी सर, कुआ कितने साल का हो गया? कितने साल का? 7-8 साल पूर्व खुदा है, लेकिन आज तक उपयोग नहीं हुआ इसका। बाउंड्री भी उसकी टूट गई है, उसको बंद करने के संबंध में हम लोग ने कई बार लिखा पड़ी भी की है, लेकिन अभी तक किया नहीं गया। तो आपने कहाँ किसको आवेदन दिया, कब दिया? हमारे यहाँ से जनपद में ही भिजवाया गया, सरपंच के पास भी भिजवाया गया और CEO महोदय के पास भिजवाया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। तो सर, जैसे घटना घट जाती है, बच्चे यहाँ ग्राउंड है, खेल कूद कर रहे हैं, कोई गिर पड़ता है, कोई अप्रिय घटना घट जाती है, तो इसकी जवाबदारी संस्था की होगी कि जनपद की? घटना तो वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, क्योंकि शीघ्र से शीघ्र उसको बंद करवाना है। इस संबंध में और हम लोग चर्चा करेंगे, अभी लेटर लिख के पुनः देंगे।